दोस्तों, विश्व में परिवर्तनों का नाम केवल जिंदगी। ये मैंने एक कविता पढ़ी थी जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, तो ये कविता इतनी ज़्यादा सटीक मेरे को लगी कि मेरे को अभी तक इसका टाइटल याद है कि विश्व में परिवर्तन क्यों होने चाहिए और किस किस एंगल से परिवर्तन हमारी जिंदगी में तब्दीली लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, मैं हूँ राजवंत सिंह मौली, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह जो टॉपिक आज का है परिवर्तन को लेके है, मैंने इसमें कोई चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे नोकिया था, किसी टाइम नोकिया नंबर वन था, लेकिन उसने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया और परिवर्तन ना करने की वजह से सैमसंग उसका जगह ले गया और उसके बाद आईफोन आ गया, पता नहीं कितने आ गए। आईफोन के बाद अपने उसके साथ साथ वीवो आ गए और दूसरे चाइनीज फ़ोन है जो वो आ गए। तो दोस्तों, यदि नोकिया ने जितनी मार्केट कैप्चर कर ली थी, यदि वो अपने आप को मार्केट के हिसाब से तब्दील करता रहता, अपने आप को चेंज करता रहता, तो वो मार्केट पे हावी रहता, हमेशा हावी रहता। लेकिन उसने नहीं किया। ऐसे ही पहले जब हम नौजवान था, मैं 22-23-24 साल का था, तो हमारे यजदी मोटरसाइकिल, जावा मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल होते थे और ये हमारे लिए ड्रीम बाइक होती थी। लेकिन आज वो मार्केट में कहीं नहीं दिखते। इसलिए नहीं दिख रहे कि उन्होंने समय के अनुसार, पब्लिक की डिमांड के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं किया। हमने अपने आप को चेंज करना है। यही बात मैं रियल एस्टेट में करना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट सिर्फ प्लॉट बेचकर कमीशन लेकर अमीर होने का धंधा नहीं है, सिर्फ प्लॉट बेचने का धंधा नहीं है, ये रियल एस्टेट सीखने का धंधा है। जिस आदमी ने, मेरे जैसे आदमी ने 1992 में रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया था, यदि मैं वही प्रैक्टिस करता रहूं तो मैं मार्केट से आउट हो सकता हूं। यदि मैं आज के हिसाब से चेंज करने के हिसाब से मैं चलूं तो मैं मार्केट में स्टे कर सकता हूं, क्योंकि 1992 के बाद आज तक बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में तब्दीली आ चुकी है। तब रियल एस्टेट और तरीके का होता था, हम अखबार में ऐड देते थे, ग्राहक ढूंढते थे, या उसको अखबार में प्रॉपर्टी वांटेड का मतलब कॉलम में अपनी ऐड देके हम प्रॉपर्टी ढूंढते थे। लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास। हमें याद है, मेरे को जब हमने कोई ज़मीन का काम करना होता था और ज़मीन के कागजात भेज रहे होते थे, फ़र्द जमा बंदी 7-12 जिसको हम बोलते हैं, नकल ट्रेस बोलते हैं, भेजना होते थे, तो हमें मतलब बाई पोस्ट भेजने पड़ते थे, रजिस्ट्री करवाते थे और 4-4-5-5 दिन तक मिलती नहीं थी वो रजिस्ट्री। तो अभी एक मिनट में फ़ोटो खींचो, व्हाट्सएप पे भेज दो और एक मिनट में कर लो, और उसके बाद PLRS पंजाब में, जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड सोसाइटी है, उसमें एक मिनट से आप निकाल के देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। यदि आप रियल एस्टेट पिछले ज़माने की तरह करोगे तो आप रियल एस्टेट में से आउट होने वाले हो, जल्दी ही आउट होने वाले हो। यदि आप नए सिस्टम के हिसाब से, नया सिस्टम अडॉप्ट करके चलोगे तो आप बिल्कुल परमानेंट इस रियल एस्टेट बिजनेस में से खुशहाली लेते रहोगे। सो दोस्तों, यही आज के वीडियो का टॉपिक था। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम करो, रियल एस्टेट का करो या रियल एस्टेट के बिना भी कोई काम कर रहे हो, यदि आप अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते तो ये समझा जाए कि आप बहुत ही जल्दी मार्केट से आउट होने वाले हैं। सो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर देना, कोई आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में दे देना, और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके जो घंटी वाला बटन है उसको दबा देना, ताकि आपके पास से ऐसी जो नोटिफिकेशन है कोई रह ना जाए। कई वीडियोस ऐसी बनी हैं जिसमें लोगों ने कहा कि इस वीडियो ने हमारी ज़िंदगी चेंज कर दी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके से रियल एस्टेट में सीखते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, बढ़ते जाएँ और पढ़ते जाएँ। थैंक यू वेरी मच।